Good morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं बनता है अटेंडेंस तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है. चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, वेरी गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. बट क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि क्लास जो है आपको पूरा अटेंड करना है, ठीक है. बीच में मैंने एक बार फिर आपको बताया था तो आप लोगों ने क्लास अटेंड करना शुरू किया था, बट फिर मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो है अटेंडेंस बनाते हैं बट क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है. तो क्लास भी अटेंड करना है. ओके, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज क्लास को अटेंड कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट में आपको क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवर नेशनल सिम्बॉल्स, है ना, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, हर चीज जो हमारा राष्ट्रीय है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखाया था. आंसर इन वन वर्ड था, कि वन वर्ड आंसर था, बहुत इजी था आपको वही याद करना भी था. एंड आई होप कि आपने उसे याद करके सुनाया होगा. ज्यादातर चीजें जो है वो आपको मतलब सुनने में आता ही होगा, है ना. ऐसे वर्ड्स थे जैसे नेशनल फ्रूट जो कि मैंगो है वो तो बहुत ही कॉमन चीज है, नेशनल फ्लावर जो कि हमारा लोटस है जानते ही रहे होंगे, है ना. नेशनल ट्री थोड़ा सा पता नहीं रहने वाली चीज थी, जो कि बनियान ट्री मैंने आपको लिखाया है. तो इस तरीके से और भी नेशनल सिंबल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे. तो चलिए आज भी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, आवर नेशनल सिंबल्स, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीके हैं उनके बारे में हम बाकी और भी जो है उसको जानेंगे. ओके चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और पेंसिल इरेजर भी साथ में रखिएगा, ठीक है. जब मैं लिखूंगी तो लिखेंगे आप लोग भी, बट जब मैं समझाऊंगी तो उस टाइम लिखना छोड़ के सिर्फ समझना है, ठीक है. और हाँ, जिन लोगों की क्लासेस छूट गई हैं पिछली वाली जिसमें मैंने इसका 1-5 पढ़ाया है, तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, उसको नोट करेंगे, फिर उसको याद करके सुनाएंगे, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. आंसर इन वन वर्ड, आज भी जो लिखना है हमें इसका एक ही वर्ड में आंसर करना है, ठीक है. What is our national sweet? What is our national sweet? Sweet का मतलब मीठा भी होता है और sweets का मतलब मिठाई भी होता है, ठीक है. तो कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय मिठाई क्या है. Any guesses? आप बता सकते हैं क्या है. हिंट के लिए मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में अगर नेशनल फेस्टिवल होता है, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, इन सब में वही राष्ट्रीय मिठाई जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है. तो
तो आपके लिए काफी आसान सा हिंट है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा जलेबी। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है, रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं समझिएगा, जलेबी को जो है राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसमें क्या होता है, हर स्कूल में जलेबी निश्चित रूप से बांटा जाता है ना। हमारे स्कूल में भी बांटा जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? जलेबी। ठीक है, चलिए सेकंड लिखते हैं हम लोग। व्हाट इज आवर व्हाट इज आवर नेशनल गेम, है ना। अब आपको बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो राष्ट्रीय खेल जो है वो है हमारा हॉकी। क्रिकेट नहीं समझिएगा, क्रिकेट बस गेम है, लेकिन नेशनल गेम जो है वो हॉकी को उसका दर्जा दिया गया है, जिससे जिसमें क्या होता है, स्टिक से खेला जाता है ना। हॉकी गेम जो है आप लोगों ने यहाँ तो नहीं, लेकिन टीवी वगैरह में देखा होगा कि 10-12 प्लेयर, है ना, दोनों टीम्स के 11 या 12 प्लेयर होते हैं, जो कि हॉकी स्टिक होता है, एक स्टिक होता है जिसमें आगे से ऐसे छाते की तरह मुड़ा हुआ होता है ना, तो उस स्टिक के सहारे से बॉल को पास करते करते खेलते हैं, वो हॉकी कहलाता है। ठीक है, तो वो जो है हमारा नेशनल गेम है। चलिए पहले तो फिलहाल यही दोनों लिखे, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, है ना, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी का और भी लिखेंगे। ओके, चलिए नोट करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट नेम, फिर जैसे जैसे मैंने लिखा है, राइट एंड रिमेम्बर आवर नेशनल सिंबल्स, ये लिखना है आपको। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है आंसर इन वन वर्ड। ओके, उसके बाद पहला क्वेश्चन है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इसको लिख के रखिए, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। ओके, चलिए लिखिए आप लोगों ने। गुड, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, एक बार पहले फिर से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज आवर नेशनल स्वीट, हमारा राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो दैट इज जलेबी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज आवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दैट इज हॉकी। ओके, हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है। ठीक है,
चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग, है ना? क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है. तो झंडा आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, और देखा ही है. हम लोग जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फहराते हैं वही हमारा नेशनल फ्लैग है, जो कि कहलाता है ट्राई कलर, हिंदी में तिरंगा बोलते हैं उसे, है ना, तिरंगा झंडा. तो उसे ही हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे का दर्जा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्राई कलर, जिसमें 3 रंग होते हैं, है ना, ऊपर से केसरिया, सफेद और हरा, है ना, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन. ओके, चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई कलर, और इसका हिंदी नाम भी यहां मैं लिख देती हूं, तिरंगा नाम है इसका, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, है ना, कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है, राष्ट्रगान जिसे हम बोलते हैं, है ना. तो हमारा राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन, जो आप लोग डेली अपने प्रेयर के टाइम में, है ना, असेंबली के टाइम में आप लोग गाते हैं जनगण मन, जो कि कितना 52 सेकंड्स का होता है ना, वही जो है हमारा नेशनल एंथम का दर्जा उसे दिया गया है. ठीक है, जनगण मन. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, है ना. ये तो हम लोगों ने नेशनल एंथम लिखा, राष्ट्रगान जो कि है जनगण मन, है ना. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है. तो दैट इज वंदे मातरम. ठीक है, वंदे मातरम, जो कि हमारे स्कूल में तो नहीं होता है, बट 15 अगस्त और 26 जनवरी को डेफिनेटली हर स्कूल में ये गाया जाता है ना, वंदे मातरम. ये हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है. ठीक है, चलिए ये तीनों जो है इसको फिर से नोट कीजिए जल्दी से. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे. ओके,
चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, सॉरी थर्ड है, व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है। तो दैट इज ट्राई कलर मीन्स तिरंगा, तिरंगा झंडा जो है उसे राष्ट्रीय झंडा का दर्जा दिया गया है। ओके, फिर व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान क्या है। तो दैट इज जनगणमन, ठीक है, जिसे हम लोग रोज असेंबली में गाते हैं। फिर व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तो दैट इज वंदे मातरम, ठीक है। तो ये पांचों जो है आपको जो है अभी लिखना है, ठीक है, अच्छे राइटिंग में, साफ सुथरे राइटिंग में। और फिर आपका होमवर्क क्या रहेगा कि इसको याद करके घर पे सुनाना है, ठीक है। मैं 5-5 इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इसको याद करके सुनाते जाए और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको 5 टॉपिक देती हूँ मैं और आंसर इन वन वर्ड इसीलिए रखती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से उसको याद कर ले। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।